दोस्तों आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर का रंग भी बताता है आपका नेचर। आइए जानते हैं कैसे। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य का शरीर अलग बनाया है। प्रत्येक इंसान का चेहरा अलग होता है, उसकी कद काठी भिन्न होती है, यहाँ तक कि उनकी त्वचा का रंग भी अलग होता है। किसी के त्वचा का रंग काला होता है तो किसी का गोरा। अधिकांश लोगों की त्वचा का रंग सांवला ही होता है। मनुष्य के शरीर की प्रकृति, बनावट तथा डील डॉल के आधार पर उनके स्वभाव व चरित्र के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। इस विद्या को सामुद्रिक शास्त्र या शरीर लक्षण विज्ञान भी कहते हैं। स्थान, प्रकृति तथा अनुवांशिकता के अनुसार मनुष्य का शरीर मुख्य रूप से तीन रंगों का होता है, जिन्हें हम साधारण बोलचाल की भाषा में गोरा, गेहुआ यानी कि सांवला व काला कहते हैं। इनके आधार पर हम किसी भी मनुष्य के स्वभाव का आंकलन कर सकते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार काले रंग के लोग हेल्दी, मेहनत करने वाले व गुस्से वाले होते हैं। इनका बौद्धिक विकास कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सभी सामाजिक परंपराओं, संस्कारों एवं मर्यादाओं से दूर, उत्तेजित, हिंसक, कामी, हठी एवं आक्रामक तथा अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। एकदम काले रंग से प्रभावित स्त्रियों के संबंध में समुद्र शास्त्र में वर्णन है कि अत्यधिक काले रंग के नेत्र, त्वचा, रोम, बाल, होंठ, तालु एवं जीभ आदि जिन स्त्रियों के हो वे निम्न वर्ग में आती है। इस वर्ग की स्त्रियां स्वामी भक्त और बात को अंत तक निभाने वाली व साहसी होती है, विश्वसनीय, सही रास्ता दिखाने वाली और प्यार में बलिदान देने वाली होती है। इनके प्यार में धूप सी गर्मी व चंद्रमा से शीतलता पाई जाती है, यही इनका गुण होता है। आइए जानते हैं गोरे रंग के बारे में। समुद्र शास्त्र के अनुसार गोरे रंग के लोगों में मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। प्रथम में लाल एवं सफेद रंग का मिश्रण होता है, जिसे हम गुलाबी कहते हैं। ऐसे लोग अच्छे स्वभाव वाले, बुद्धिमान, साधारण परिश्रमी, रजोगुणी एवं अध्ययन तथा विचरण प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग दिखने में सुंदर तथा आकर्षक होते हैं तथा सभी को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। गोरे रंग के दूसरे भेद में लाल व पीले रंग का मिश्रण होता है, जिसे पिंगल कहा जाता है। ऐसे लोग मेहनत करने वाले, धैर्यवान, सौम्य, गंभीर, रजोगुणी, भोगी, समृद्ध एवं व्यवहार कुशल होते हैं। देखने में आता है कि ऐसे लोग बीमार रहते हैं तथा इन्हें रक्त संबंधी बीमारी अधिक होती है। विद्वानों की मान्यता है कि सफेद या पीले रंग से संयुक्त लाल रंग के नाखून, तालु, जीभ, होंठ, करतल तथा पदतल वाली स्त्री धन्य धान्य से युक्त, उदार एवं सौभाग्यवती होते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा सांवले रंग के लोग होते हैं। इसे काले रंग से युक्त कहा जाता है, क्योंकि ये एकदम गहरा काला रंग ना होकर सफेद एवं लाल रंग से मिश्रित काला होता है। इसके दो भेद होते हैं। प्रथम के अंतर्गत रजोगुण प्रधानता के साथ तमोगुण की हल्की से प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग अस्थिर, परिश्रमी और कभी सुस्त, सामान्य बुद्धि वाले, सामान्य समृद्ध तथा सामान्य अध्ययन वाले होते हैं। यह प्रायः उच्च माध्यम वर्ग के होते हैं। सांवले रंग के प्रथम वर्ण के विपरीत द्वितीय वर्ण वालों में उपरोक्त गुणों में कुछ न्यूनता आ जाती है, अतः उस वर्ग को निम्न मध्यम वर्ग में रखा जाता है। इस वर्ग का प्रभाव स्त्रियों पर भी उसी प्रकार का होता है। फिर भी विशेष स्थिति में वे गृहस्थी के उतार चढ़ाव में निरंतर संघर्ष, धैर्य संपन्न, सहनशील, उदार, चंचल, भोगी एवं विश्वस्त होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह समुद्र शास्त्र के अनुसार शरीर का रंग भी बताता है आपका नेचर। ऐसे ही शास्त्रों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहे चमत्कारी टोटके चैनल के साथ।